आप लोगों को क्लास इंग्लिश बी का लेक्चर है। आप लोगों का डेट आज हमारे पास 20 मई है और डे आज हमारे पास थर्सडे है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हमने पोजेसिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन आपको पता है कि किसी भी ऐसे कोई भी वर्ड जो कि नाउन की जगह पे किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग की जगह पे यूज़ हो वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि ही शी इट दे आई वी। और पोजेसिव का मतलब होता है किसी मलकियत, पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ की मलकियत होना, किसी चीज़ को रखना, ओन करना। वो यूज़ पोजेसिव प्रोनाउंस टू से हू ओन समथिंग, जो कि किसी चीज़ की मलकियत रखता हो। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। ये सब वर्ड्स हैं जो कि क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दिस डॉग इज़ आर्स, ये डॉग हमारा है। ये इसमें आर्स और माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। वो यूज़ पोजेसिव प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, हम पोजेसिव प्रोनाउन को पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दिस बुक इज़ योर्स, अब ये देखें, ये तुम्हारी किताब है, दिस बुक इज़ योर्स, ये तुम्हारी किताब है, मतलब दोनों का ही सेम है। लेकिन देखें यहाँ पर ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है और यहाँ पर ये पोजेसिव के बारे में, पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे प्लस नाउन इन दोनों को शो कर रही है ये चीज़, ठीक है। यानी कि दरमियान में आया ना, दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। इसमें मलकियत के बारे में ज़्यादा शो किया जा रहा है, इसमें एक सिफ्त बताई जा रही है और इसमें मलकियत की ज़्यादा शो किया जा रहा है। नीचे देखें, उन्होंने सबके वर्ड्स बताए हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। आई का होता है माई, माइन, यू, योर्स, योर्स, ही, हिस, हिस, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स, वी, आर, आर्स, दे, देयर, देयर्स। अब नीचे इन्होंने ये दिए हैं जिसमें आपने खुद इनकी फीलिंग्स करनी है। ये देखें, मैंने इन सब की फीलिंग्स कर दी हैं, जैसे ऊपर थे वैसे ही नीचे उसका टेबल था जिसमें आपने खुद इनको फीलिंग्स करनी थी। और ये जो मैंने फीलिंग्स दिए हैं, आपने इस पार्ट को साथ में याद भी करना है, ठीक है, और अपने नोट्स के ऊपर ही आपने इसको फिल भी करना है।